ब्रह्मा जी ने सृष्टि को निर्माण किया, उस समय उन्होंने एक शब्द को सुना था। भारत की संस्कृति का सबसे मूल शब्द है तप तप इति। हमारे पूज्य गुरुदेव के गुरुदेव परम गुरु कहा करते थे, कांची के परमाचार्य जी महाराज, तपश्चर। मैं जब भी उनसे मिलता था वे कहते थे तपश्चर, आज तप की कमी हो गई है। और उस तप को हमने साकार आप में देखा। मुझे इस परंपरा को देखते हुए केवल एक राजा याद आता है जिसमें यह सब कुछ था, और उस राजा का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज। मित्रों, लोगों को पता नहीं है शायद, वे स्वयं जब मल्लिकार्जुन के दर्शन के लिए श्री शैलम के ऊपर गए, 3 दिन का उपवास किया, 3 दिन शिव मंदिर में रहे, और महाराज ने कहा कि मुझे राज्य नहीं करना है, मुझे संन्यास लेना है, मैं शिव जी की आराधना के लिए जन्मा हूं, मुझे संन्यास लेना है, मुझे वापस मत ले जाइए। इतिहास का वो बड़ा विलक्षण प्रसंग है। उस प्रसंग में उनके सारे ज्येष्ठ मंत्रियों ने उनको समझाया और लौटा करके लाया कि यह भी आपका कार्य भगवत सेवा ही है। आज हम लोगों को उसी प्रकार के एक महापुरुष ऐसे प्राप्त हुए हैं जिसको भगवती जगदम्बा ने स्वयं हिमालय से लौटा करके भेज दिया कि जाओ भारत माता की सेवा करो। तुम्हें भारत माता की सेवा करनी है। मैं अपने को कभी श्रद्धा रखने के बारे में भावुक नहीं पाता हूं, लेकिन कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पर आदर के साथ अपना मस्तक अपने आप झुक जाता है। ऐसा एक स्थान हम लोगों को उच्च पदस्थ इस राजर्षि ने जब दिखाया तो मुझे छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु समर्थ रामदास स्वामी महाराज की याद आ गई। उन्होंने शिवाजी का वर्णन किया, निश्चयाचा महामेरु, निश्चयाचा महामेरु, बहुत जनासी आधारू, अखंड स्थिति का निर्धारू, श्रीमंत योगी, श्रीमंत योगी, श्रीमंत योगी। हम लोगों को आज एक श्रीमंत योगी प्राप्त हुआ। आज मैं यहां पर केवल इसलिए खड़ा हूं कि इतने तपस्या के पश्चात इन सारे महात्माओं की अनुमति लेकर के और उनके आशीर्वाद लेकर के उनका यह तप पूर्ण करने के लिए, उसकी सांगता के लिए उनको चरणामृत दिया जा रहा है। आप सबकी सहमति हो तो आप सब लोग ओंकार का घोष करके मुझे सहमति दें। अपना उपवास पूर्ण कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, 11 दिवसीय उपवास को वो पूर्ण कर रहे हैं। मैं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज, मणिराम छावनी अयोध्या के श्री महंत के चरणों में निवेदन करता हूँ आशीर्वचन के लिए।